सैटरडे और अभी जस्ट मैं नहा के पूजा करके आई हूँ। और मैं कल बोली थी ना, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी जस्ट मैं नहा के पूजा करके आई हूँ। और मैं कल बोली थी ना आज हेयर वॉश करूँगी, तो फाइनली आज हेयर वॉश कर ली। पता है एकदम काला काला सा निकल रहा था। 3 दिन के बाद हेयर वॉश करी हूँ। ट्यूजडे को मैं हेयर वॉश करी थी, उसके बाद आज करी हूँ। ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन के बाद तो नॉर्मली सब लोग करते हैं, पर पता नहीं डस्ट बहुत होगा जो उड़ता है ना यहाँ, कोल छोटे छोटे एकदम महीन वो वाला उड़ता है, वो मेरे बाल में आया होगा तो वही निकल रहा होगा। क्योंकि ना कल एसी साफ हो रहा था ना, तो जो एसी साफ करते वो बोल रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट रहे आपके एसी में, दरवाज़ा खुला रहता होगा शायद। पर हम लोग दरवाज़ा हमेशा बंद रखते हैं, एसी का तो हमेशा बंद ही रहता है। एसी का रूम तो जिस रूम में एसी चलता है वो तो बंद ही रहता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ कोल माइंस इतना ज़्यादा है कि धूल तो उड़ना ही है, तो उड़ के इधर भी आता होगा, तो इसलिए सब कुछ काला काला रखता है। मैं अगर एक सप्ताह घर में डस्टिंग नहीं लगा रहा तो पूरा घर एकदम ऐसे लेयरिंग बाय लेयरिंग। मैं आपको दिखाती हूँ, कल इतना सफाई करी और थोड़ा सा ना रह गया, मतलब कि उतना मन नहीं था बाकी इधर उधर करने का। और वो लगता है कि साफ सफाई तो सुबह में ही हुआ था। और ये देखो, ये गंदा यहाँ पे, ये गंदा मैं आज सुबह में देखी, कल रात में शायद नहीं दिखा होगा अच्छे से, क्योंकि झाड़ तो मैं सब रूम रही थी, मतलब वो रूम झाड़ रही थी अच्छे से। और अभी आलू चढ़ाई हूँ, आलू गोभी का सब्जी, चावल और परवल का चटनी, ये सब बनाना है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हमारे घर में ना अभी तक से हमारी मेड नहीं आई है। टाइम हो गया है 11:30 बजने वाला, 11:30 नहीं 10:30 बज रहा था, तो मेरे को लगा कि 11:30 हो रहा है। मैं सोची अरे बाप रे, आज बहुत लेट हो गया। फिर मैं ध्यान से देखी कि अरे अभी तो 10:30 ही हुआ है। और देखिए, मैं अभी जस्ट पूजा करके उठी, मेरा दिया जल रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, इसलिए कपड़ा बाहर नहीं देने का मन कर रहा था, तो मैं ना अपना तौलिया अंदर ही में दे दी, क्योंकि इतना धूप है, आप देखो कितना धूप है। और ये सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे कपड़े ना मुझे देना है अपनी, जो मैं आपको बोली थी ना कि एक है उनको देना है, तो ये सारा कपड़ा ना धुलवा के अच्छे से वॉश करके तह लगा के उनको देना है। वो आएंगी शाम में तो उनको मिल जाएगा। और आरू का बहुत सारा कपड़ा कल रात पे भी छाट के निकाली हूँ, वो देखो उसको आज धुलवाना है। कल धुलवा दी थी जो मेरे सामने सामने था ना रखा हुआ कपड़ा, कि हाँ ये सब कपड़ा देना है, तो वो सब धुलवा दी थी। बट आज मैं वो कपड़ा निकाली हूँ जो मैं कल अच्छे से आरू का सारा अलमारी झाड़ के निकाली, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था, छोटा था, जो भी था ना, वो सारा निकाल के रख दी। हमारा दीवार देखिए किस तरह से गीला रहता है, कुछ भी कर लो ऐसे ही रहता, चाहे आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करा लीजिए। बाहर से बहुत ज़्यादा भीगा था ना 4-5 दिन, इसलिए ऐसे हो गया है। और ऊपर ऊपर में भी रहता है, ये देखो अभी देखो क्या कितना टाइम हो रहा है, 11:10। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। और ये नोज पिन मैं नहीं उतार रही हूँ, मन नहीं कर रहा उतारने का, बहुत अच्छा लग रहा था। पता है ये 8 साल के बाद पहने थे, अपनी शादी में जब आई थी यहाँ तो उस वक्त मिला था, क्योंकि बड़ा वाला नथ पहन के तो कोई रहता नहीं है, तो ये छोटा वाला मिला था कि आप इसको पहनना। तो ये मैं उस वक्त पहनी थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इसमें ना 2-3 घुंघरू टाइप का लटका हुआ है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं छोड़ दी थी, कभी भी नहीं पहनी। पर इस तीज में मैं सोची कि चलो नया नोज रिंग खरीदने से अच्छा है कि यही वाला पहन लेते हैं, तो पहनी तो अच्छा लगा, अभी भी मेरे फेस पे अच्छा लगा, सब लोग बोले बहुत अच्छा लगा आपके फेस पे, तो अभी पहनी हुई हूँ। अभी एक नोज रिंग लेना है, नोज रिंग जो गोल सा होता है ना वो लेना है, देखते हैं कब ले पाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग चल रहा है हम लोग का, बहुत काम है।
तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते, बहुत जोर की भूख लगी है। तो नाश्ता मेरा हो गया है रेडी, क्योंकि सिर्फ रोटी बनाना रहता है, सब्जी भुजिया तो सब बन के रेडी था। आज सुबह मैंने आलू कद्दू का सब्जी बनाई थी, अनुप जी बोले थे कि भुजिया मत देना क्योंकि भुजिया थोड़ा अटकता है गला में रोटी के साथ। मेरा रिमोट कहाँ गया? तो उनके लिए आलू कद्दू का सब्जी बनाई थी और अपने लिए भुजिया और आरू के लिए भिंडी का भुजिया, क्योंकि आरू को भिंडी का भुजिया अच्छा लगता है, वो सब्जी नहीं खाना चाहती उतना, आपको पता है ये सब बच्चे नहीं खाते हैं। तो मेरा नाश्ता बनके रेडी है, ये देखिए सिंपल सा भिंडी का भुजिया है, आलू कद्दू का सब्जी है, रोटी है और सिर्फ थोड़ा सा खीरा है, क्योंकि आज अनुप जी को आलू कद्दू का सब्जी खाने का मन था, मतलब बोले सब्जी बनाना, भुजिया नहीं लेके जाना चाह रहे थे, क्योंकि ना भुजिया बोलते रोटी से थोड़ा अटकता है, तो कुछ ग्रेवी वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोर की भूख, बहुत दिनों के बाद आलू कद्दू का सब्जी बना है, देखते खाए कैसा बना है। आलू बैगन हमेशा बनता है पर आलू कद्दू बहुत कम बनता है, पर मेरे को ना भिंडी का भुजिया और रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा बना है, जबरदस्त अच्छा बना। मेरी हेल्पर भी आ गई, मेरी हेल्पर आ गई है, गेट नॉक कर रही है, मैं जा रही हूँ खोल रहे। बबली बबली हो, बबली आवाज क्यों नहीं देती हो? बैक टू नाश्ता। We'll be right back.
वगैरह बन गया है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना बन गया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आज किचन में ना फ़ोन लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एकदम अजीब टाइप का गर्मी है और बाहर धूप तो मत ही पूछिए, इतना भयंकर धूप है। तो आज खाना मैं बहुत ही सिंपल बनाई हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, ये है दाल जो भी जस्ट बना है। उसके बाद ये सैलेड कटेगा, अभी काटी नहीं हूँ। ये है आलू गोभी का सब्जी और ये है परवल का चटनी। और जो बनाई थी सुबह में आलू कद्दू का सब्जी, वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मेरा खाना बस यही है। आरू खाएगी आज घी चावल, उसको घी चावल खाना है। तो बस अब दूध भी उबल गया है, तो अब कुछ नहीं करना है, किचन से बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मतलब अजीब टाइप का ह्यूमिडिटी टाइप का लग रहा है, एकदम पचपच टाइप का गर्मी जो होता है ना, वो वाला गर्मी है। और यहाँ चढ़ा हुआ है मेरा चावल। बस अब आधा घंटा और लगेगा, मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा। बाहर हम लोग गए थे चावल निकालने, बाप इतना ज़्यादा धूप लगा कि हम लोग भागे बाहर, मतलब गराज में। मेरा चावल जो घर से आता है वो गराज में रहता है, उसमें उसी रूम में सबसे ज़्यादा जगह है, सिर्फ एक गाड़ी लगता है, उसके बाद बाकी एरिया खाली रहता है। और रात में लगता है बाइक, तो खाली रहता है। तो उसमें एक पटरा बिछा के हम लोग उसमें चावल और गेहूँ रख दिए हैं, ताकि मतलब इधर जगह उतना नहीं रहता है कि इधर रखे। और आप देखिए कितना ज़्यादा पसीना चल रहा है। टाइम देखिए हो गया 2:02, अब हम लोग बस रेस्ट करेंगे, हम लोग मतलब मैं और आरू, क्योंकि खाना बनने में सिर्फ 10 मिनट दे रही है, चावल मेरा 10 मिनट में हो जाता है। और अभी मैं देख रही थी मूवी, किस्त में देख पाती हूँ किस्त में। यस आंटी का सिर घूम रहा है, क्या चाहिए तुमको बबली? कौन सा तेल चाहिए, डाबर आमला की नवरत्न? आमलेट आमला तो दर्द होता है पैरों के, उसके लिए। अरे तो कौन सा चाहिए? लगा लिया नारियल तेल लगाती ना, उस ठंडा करता है ना, से है। बहुत ज्यादा धूप है इसलिए सर सर में दर्द हो रहा है सबका। लगाओ फटाफट, लॉक कर देते ना, तो हमको आता लॉक करने। लॉक हो गया, हो गया लॉक, देखो तो हो गया लॉक। आता था अभी नहीं आता है, लॉक हम कर लेते हैं। नहीं लगेगा आरू, छोड़ो, देखो कुछ फंस रहा लगता है, हटो, देखो अब लगा। जोर से दबाना पड़ता, बिना जोर से दबाए थोड़ी लगेगा। पजामा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है आरू। लगी डांस करने, हो गया सुनो। बहुत ज्यादा गर्मी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं बैठ गई थी कपड़ा छाटने के लिए, जो काम आज नहीं कर पाई थी मैं कल रात में ही कर ली थी, इसलिए आप सूट देखो वही पहनी हुई मैं कल रात में, ये वाला वीडियो शूट कर ली थी तो मैं सोचूं इसमें ऐड कर देते हैं। और ये बहुत सारा कपड़ा आरू का निकाल के एक साथ मतलब देखना पड़ेगा ना कि कौन सा पहना रहे हैं, कौन सा नहीं पहना रहे हैं, कौन सा छोटा हो गया है। और कुछ कपड़ा यहाँ पे है, कुछ ऊपर में भी रखी हुई हूँ, क्योंकि जब विंटर्स आता है तो शॉर्ट्स वाले जितने भी कपड़े होते हैं सब ऊपर कर देती हूँ, फिर समर आता है तो समर के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है मैं इसमें कर लेती हूँ, तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो कुछ फ्रॉक तो स्कूल के लिए परमानेंट जो वेडनेसडे को पहनती है, कलर मिलता है उसी के अकॉर्डिंग में रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़ा बहुत सुंदर है, कुछ बिल्कुल न्यू है बट छोटा हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी किसी को दे दूँ ये पहन ले। और मतलब जितना भी छोटा है
तो वो सारा ड्रेस मैं दे दूंगी किसी और को। तो यहाँ पे ऊपर वाला भी कप, नीचे का तो मैं छाट चुकी थी, तो फिर सोची चलो ऊपर में भी कुछ कपड़ा ज़रूर होगा जो मैं दे सकूँ किसी को। तो ऊपर में से जब मैं कपड़ा निकाली तो बहुत सारा कपड़ा निकल गया, इनफैक्ट सारा का सारा ही चला गया उधर, मतलब जिसको देना है, क्योंकि ना उसमें जितना भी पैजामा है ना गर्मी ठंडा वाला वो सब छोटा हो गया आरू को। तो अब वो सारा किसी के यूज़ में आ जाएगा, किसी को ठंडा में आराम मिलेगा मेरी बेटी के कपड़े से। और होता क्या है ना ठंड में किसी का शरीर ढक जाए यही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंड में तो पता चल जाता है अमीरी गरीबी का बहुत अच्छे से। इसलिए ठंड में ना जितना भी कंबल जो हम लोग, मतलब जो पतला पतला कंबल 100 रुपीज़ का मिलता है वो को एक दो दे देते हैं, और जब मतलब बहुत देख के दया आता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं। आपके जो हेल्पर है, आपके यहाँ जो काम करते हैं, जो बगान मेरा साफ़ करता है, ये सबको मैं दे देती हूँ। उन लोग को बहुत ज़रूरत होता है, कभी कभी देती हूँ, हमेशा नहीं दे पाती क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है कि सबको बांटते फिरें। तो बट जितना हो सकता है हम लोग उतना दे देते हैं। अनुप जी का दिल बहुत बड़ा है तो वो सोचते हैं ना कि इतना, मतलब घर का चीज़ उठा के देने के लिए रेडी रहते हैं, बट कुछ चीज़ के लिए रोकती हूँ बट कुछ चीज़ के लिए मैं नहीं रोकती। तो यहाँ पे सारा कपड़ा छाट के मैं रख लेती, और कुछ कपड़ा आपको जो दिखाई ना वो सब मैं देने के लिए साइड करके रखी हूँ। और शाम में सो के उठ गई थी तो मैं सोची चलो जल्दी से ना बेड को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद अपना सांझ का दिया जलाना होता है, झाड़ू लगाना होता है, ये सारा काम करना होता है। तो बस अब यही सब करना है, उसके बाद मैं जाऊंगी रात का खाना बनाने। तो चलिए सबसे पहले ये सब काम फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स आज है सैटरडे, और सैटरडे को हम लोग कोशिश करते हैं या तो खिचड़ी बनाए या फिर सत्तू खाए। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, इससे ग्रह कटता है। सबको बोलते हैं कि सैटरडे को सत्तू ज़रूर खाना चाहिए नहीं तो खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी आज नहीं बनाई थी, आपको पता ही है। ऐसे मैं हर सैटरडे को खिचड़ी एकदम कंटिन्यू पता नहीं कितने सालों से बनाते आ रही हूँ। कभी कभी कोई फेस्टिवल अगर सैटरडे को पड़ गया या फिर कहीं चले गए तो वो स्किप होता है, नहीं तो अदरवाइज मैं कभी नहीं करती। तो आज दोपहर में खिचड़ी नहीं बना था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू। ये देखिए मेरा सत्तू है, इसे प्याज मिर्ची और धनिया पत्ता आदि लहसुन सब डाल के अच्छे से मैं चटपटा बनाई हूँ। नींबू एक पूरा बड़ा साइज में डाली हूँ तो बहुत ज़्यादा चटपटा बना है। साथ मेरा आटा ये बिल्कुल फूल गया है, गुन मतलब इसको ना गुन के छोड़ दी थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सत्तू के साथ क्या खाया जाता है। सत्तू के साथ बैंगन का चोखा, यानी बैंगन का भरता, मैं तो चोखा बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो, भरता ही बोलते होगे या चोखा ही बोलते होगे। तो एकदम अच्छे से बनाई हूँ। इसमें बहुत बीज है, इस बैंगन में काफ़ी बीज था बट ओवरऑल अच्छा बना। इसमें 3 टमाटर एकदम जो पका पका है ना वो डाली थी, एकदम चटपटा बनाया, बहुत अच्छा बना। इसमें मैं लहसुन आदि ग्रेट करके डाली हूँ, कच्चा सरसों का तेल डाली हूँ, नमक डाली हूँ और थोड़ा सा नींबू का रस, तो बहुत ज़्यादा चटपटा बना। ठीक है, नींबू का रस इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आजकल का जो टमाटर है ना वो उतना ज़्यादा पल्पी नहीं होता, उतना ज़्यादा उसमें रस नहीं रहता इसलिए। और साथ में घी है, घी खाएंगे तो ये 3 चीज़ ज़रूरी है। साथ में तो मूली रहना चाहिए था, मूली मेरा फेवरेट होता है सत्तू के पराठा में, बट मूली नहीं आया है आज, कल आएगा। कल संडे मार्केट लगता है भुरकुंडा में, तो जाके ये लाएंगे कल। और मंगलवार को हम लोग का नहाय खा है जितिया का, फिर बुधवार को है फास्ट पूरा डे। तो देखो कैसे कैसे क्या होता है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। एंड आपको ये पता है हम लोग मॉल गए, पता है हम लोग क्या लाए हैं? क्या लाए हैं? गोसाना साबुन। अच्छे देखो गोसाना साबुन। हाँ तो ये ना बेडशीट वगैरह के लिए लाए हैं। बेडशीट वगैरह जब गंदा तुम करती हो ना, पेंसिल का जो ब्लैक ब्लैक गिराती हो ना उसको ये अच्छे से क्लीन करेगा। तो चलिए फटाफट से पहले रोटी बनाती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे सत्तू का जो मेरा छोटा छोटा लिट्टी है ना वो बन गया है। तो इसको ना बिल्कुल जो कोल वाला जो लकड़ी पे या फिर कह सकते हैं जो गोईठा पे जो बनता है ना उसका टेस्ट देने के लिए ना फ्लेम पे रख के इसको अच्छे से पकाना पड़ता है। और ये धीरे 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 करके एकदम गोल हो जाएगा, फूल जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्या कहते हैं सूंधा सूंधा लगता है, जो हम लोग खाते हैं ना गोईठा पर का लिट्टी या फिर कटकोयला का लिट्टी जो वो सब बनता है ना उसका टेस्ट आता है। मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। ये देखो मैं बिल्कुल हो गई हूँ क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो जब तक मैं उसको रिमूव नहीं करती हूँ मेरे को चैन नहीं मिलता। मैं अच्छे से रिमूव करी हूँ, अभी जस्ट फ्रेश फील हो रहा है, फेस वॉश भी करी, अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है।
और अच्छा लग रहा है। तो अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा खाना बनके रेडी है। तो ये देखिए सत्तू का है, ये लिट्टी, बैंगन का चोखा, प्याज और ये घी, और इसमें अचार भी जाएगा। ठीक है, तो जो भी चोखा था ना वो हम सब लोग दोनों में हाफ हाफ दे कर खाली कर दिए बर्तन, क्योंकि ना बैंगन का चोखा सुबह तक खराब हो जाता है। और मतलब इतना ही बनाई थी कि सब खा पी के ख़त्म करो, कल तक के लिए क्या ही रखना, कल संडे कुछ दूसरा चीज़ बना लेंगे। तो ये मेरा आज का खाना है और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, हम बिहारी झारखंड वाले को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल झारखंड में सबको लिट्टी को का क्रेज़ है, कुछ मौसम अच्छा हुआ तो चलो लिट्टी बनाते हैं। तो बस वो वाला तो नहीं बन पाया, बट यही वाला बना है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। देखिए अचार, मेरी माँ अचार लगा के, जब मेरी माँ यहाँ आई थी ना तो अचार लगाई थी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को अब एंड करूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है। एंड आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आप कुछ नहीं करना, बस खाना खाएंगे और सोएंगे, क्योंकि सारा काम हो गया, गेट वगैरह लॉक करके आराम से निश्चिंत हो गए। अब हम लोग बस खाना खाएंगे और सोएंगे, ठीक है। तो कल मिलती हूँ अच्छे से, हड़बड़ में हूँ, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू।